किसी को अगर सांस की परेशानी हो, अस्थमा की परेशानी हो, तो उसमें बड़ी दिक्कत महसूस होती है सांस लेने में। कई बार इनहेलर का प्रयोग करना पड़ता है। अगर ये बार बार आपको दिक्कत होती है तो इसके लिए मैं एक घरेलू चीज़ बता देता हूँ आपको, ताकि आपकी जो सांस की परेशानी है वो ज़्यादा हद तक कंट्रोल भी हो जाए और बार बार जो परेशानी होती है ये ठीक भी हो जाए। तो आप पीपली ले लें, पीपली आसानी से मिल जाती है, किसी भी किराने स्टोर पर भी उपलब्ध होती है जहाँ मसाले होते हैं। तो पीपली का चूर्ण बना लें और एक चौथाई चम्मच यानी कि चम्मच का चौथा हिस्सा ले लें और थोड़ा सा शहद मिलाकर इसको चाट लें, दिन में दो बार चाट लें, बस अस्थमा की परेशानी आपकी धीरे धीरे खत्म होती चली जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि अस्थमा को जड़ से कैसे खत्म करें, तो अभी मैंने वीडियो अपलोड की है अपने यूट्यूब चैनल पर, आप वहां पर जाएं और वीडियो देखें कि इसको जड़ से कैसे खत्म करा जा सकता। सर्वाइकल को मैं आज ठीक करने के लिए आपको एक घरेलू नुस्खा बता रहा हूँ छोटा सा, जिससे आप सर्वाइकल हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं, क्योंकि सर्वाइकल में अधिकतर पेन किलर ज़्यादा लेनी पड़ती है जब भी पेन होता है। इसकी एलोपैथिक में कोई मेडिसिन नहीं है, तो आपको पेन किलर लेने की आवश्यकता नहीं है। आप इस नुस्खे को आजमाएं, 30 से 40 दिन करें और फ़र्क आपको 3 से 4 दिन में पता चला जाएगा। आप इसके लिए लहसुन की 2 कलियाँ ले लें, अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा ले लें लगभग 1/2 से 1 इंची का, और साबुत हल्दी का 1/2 से 1 इंची का टुकड़ा ले लें आप। अब इन तीनों को कूट के अच्छी तरह से 1 कप पानी के अंदर डाल दें और इसके अंदर 1/4 चम्मच यानी कि 1 चम्मच का चौथा हिस्सा अजवाइन का डाल दें। अब इसको इतना उबालें कि 1/2 कप रह जाए, छान कर इसको सुबह शाम प्रयोग करें खाना खाने के 1/2 घंटे बाद। बस आप देखेंगे आपका सर्वाइकल का जो पेन था, सर्वाइकल की दिक्कत थी, वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है और दर्द की दवाई आपको लेने की आवश्यकता नहीं। बाकी अगर और डिटेल आपको जाननी है तो मेरे यूट्यूब चैनल पर आप जाएँ और वहाँ पर देखें। बस बाकी आप खुश रहो, स्वस्थ रहो।